Hi guys, this is Krishna Khan Singh. This is Shiva Singh Rajput. Again, welcome back to our channel Krishna Views. So guys, हमने recently एक song पे हमने reaction किया है जो कि अभी भी आया है. Hey Jamalo. TikTok. हाँ ये. नहीं सुनो ऐसा था. तुत्तक तूतिया. Hey Jamalo. याद है कुछ? इस तरीके का था वो song. हाँ उसमें हमको याद नहीं, मेरे को अभी याद आ गया. वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाइए, आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगा, देखिए. फिर उसके बाद ये देखिए. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ये सॉन्ग है, एक्चुअली हमने सुना है इनका सॉन्ग, शंभू भाई और विष्णु का. शंभू भाई ये लोग ना पहले गांव में भजन वगैरह गाते थे. हाँ सिंधी है, सिंधी ये लोग सिंधी है और ये भी सिंधी सॉन्ग है. और जब हमने इनकी पहले सबसे पहले सॉन्ग पे किया था ना कोकसुदी, जब इनकी आवाज बहुत पतली और एक इनका जो भाई है क्लियर आवाज है, फटती नहीं आवाज, फटती नहीं बिल्कुल, क्लियर ऐसे चुभती है दिल में. वहाँ जो कलाम स्टार्ट करते हैं यार वीडियो सॉन्ग है कलाम, सही में ओके. और कलाम पढ़ते हैं गाते पढ़ते हैं. हाँ वही गाते पढ़ते हैं, गाते नहीं है पढ़ते हैं. ये गलत बोलती है, कमेंट बताना इसको, सबक सिखाना है इसको जरूर. आज हियर वी गो 1 2 3 एंड स्टार्ट. आएंगे मेरे ऑडियंस तुमको दिखाई आज तक बहुत सॉन्ग सॉन्ग कर रही हो ना. चलिए हम कर लेते हैं इसका सीसी ऑन ताकि हम पढ़ें और समझें क्या बोल रहे हैं. बेचारे फेमस हो गए यार पिछड़े जिले से. बेचारे क्या है, अब बेचारे ही लगे हैं, पहले तो बेचारे थे ना. बड़ा सिंगर ये पता है जो इनको लीड कर रहे हैं, असरार शाह. सुपर बाबा जो कलाम बुधो, शाह जो कलाम बुधो, बाबा जो कलाम बुधो, शाह जो कलाम बुधो, धरतीअ जे पुट जो पहिरियों पहिरियों सलाम बुधो, बाबा जो कलाम बुधो, शाह जो कलाम बुधो, बाबा जो कलाम बुधो, शाह जो कलाम बुधो, धरतीअ. तब इसमें म्यूजिक नहीं है, थोड़े से इंस्ट्रूमेंट है. लड़का भी गा रहा है, नहीं वो भी यार, वो भी बोल रहा था मैं. हारमोनियम बजा लेती है और वो तबला जुगलबंदी लाजवाब है. इंजन मतलब होता है लेग. यार आजकल कोक स्टूडियो में काफी मजा आने लग गया है ना, कोई भी सॉन्ग क्यों ना हो. हैदराबाद के लोग हैदर इधर बोल रहे हैं.
चीज की तारीफ कर रहे हैं हर चीज की, थैंक्स बोल रहे हैं, थैंक यू कर रहे हैं। हर किसी को सलाम कर रहे हैं। नाक में भी पहना है, मैं भी कितना डीप में देखता हूँ। ये एक्सपीरियंस है मेरा बहुत। भगवान सुनने के लिए मिल रहा है मुझे आज, है ना? कोक स्टूडियो में वो भी अमेजिंग है, सुपर। इनके टैलेंट भी कहां से कहां पहुंच गया, और जो इन्होंने खोज के निकाला कोक स्टूडियो ना, ब्रो वाला का कोक स्टूडियो ना यार, हर एक चीज को ना बराबर का दर्जा देता है। रिस्पेक्ट यार, रिस्पेक्ट। और तो मेरे को एक दिमाग में एक बात आ रही है, जब से तुम कह लो मैं याद कर लेता हूँ बात को। मैं ये कह रही थी कि कोक स्टूडियो ने ना मतलब कल्चर इस बार पाकिस्तान के बहुत सारे पुराने टाइप के सिंगिंग और पुराने के इंस्ट्रूमेंट वगैरह वो सबको दिखाने की कोशिश की है। एक बात पता है, ना लगा के ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स को अभी लाने की कोशिश की है, मुझे ऐसा लगता है, है ना? इसमें सिर्फ 100 रुपए की बात कर दिया मैंने। हाँ, मैं भी 1 करोड़ की बात करता हूँ। नहीं, पिछले बार ये होता भी था कि इसने सही बोला वैसे, कि बॉलीवुड वगैरह के सॉन्ग को, बॉलीवुड और पाकिस्तान में जो फिल्म इंडस्ट्री के जो लेटेस्ट सॉन्ग होते हैं उसको ज़्यादा हिट किया था। इस बार जो है ना ज़्यादा ध्यान दिया है कोक स्टूडियो ने उस पर, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और जो जो सॉन्ग गायब होते जा रहे हैं ना उसको उठाने का एक काम किया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था, मैं काफ़ी सारे कमेंट भी पढ़ रहा था और काफ़ी लोगों के मैसेज भी मुझे पढ़ रहे, मैं देख रहा था कोक स्टूडियो से रिलेटेड, तो लोगों ने ऐसा भी कहा ना कि हमको ना खाली खाली कोक स्टूडियो देखने में मज़ा नहीं आता। मतलब कि तुम खुद सोचो कैसे, वो लोग बोलते हैं कि हम आपके साथ देख के ज़्यादा एंजॉय करते हैं उस सॉन्ग को, मतलब ये जो कोक स्टूडियो होता है, क्योंकि हमारे साथ देख रहे होते हैं, हमारे एंजॉयमेंट देख के उन लोग को भी मज़ा आता है। क्योंकि मैं खुद सोचूं कि अगर हम लोग भी अभी रिकॉर्ड वगैरह नहीं कर रहे तो हमको पता, हमको ऐसा लगता है ना कि जो सामने कैमरा है ना वो ऑडियंस है। हाँ। हमको 1.5 लाख लोग हमारे जो सब्सक्राइबर, हमारे जो ऑडियंस है पाकिस्तान से और पूरे इंडिया से भी बहुत सारे हैं और ओवरसीज से भी बहुत सारे पाकिस्तानी से, वो लोग हमको देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है हमारे सामने ऑडियंस है, तो हम लोग भी ऐसा लगता है कि हमको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, इसलिए हम लोग फुल एक्सप्रेशन में करते हैं। लेकिन अगर हमको ऐसा हो कैमरा हटा दो सामने से और जब हमको सिर्फ ऐसे कोक स्टूडियो बोले तो हमको मतलब वो फीलिंग नहीं आएगी, थोड़ा मजा हम कैजुअली सुन हाँ, कैजुअली ज्यादा इतना ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, है ना? हाँ, और अगर हमें ये नहीं पता कि आप लोग हमें देख रहे हो, इसीलिए कोक स्टूडियो पे व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। कोई हाँ। भी रेसिंग चैनल हो आप देखना, कोक स्टूडियो पे बहुत लोग पसंद करते क्योंकि लोग हमारे साथ वीडियो को एंजॉय करना चाहते हैं। ऐसा आप मुझे एक भी ऐसा रिएक्शन चैनल बता दो जो कोक स्टूडियो के वीडियो पे रिएक्शन नहीं करते। सब करते हैं, सब करते हैं, क्योंकि पब्लिक देखने पसंद करती है, पब्लिक वही पसंद करती है। हाँ, अभी हमारे जगह की, हमारे इंडिया का कुछ फेमस है, अगर अब कोई पाकिस्तानी रिएक्ट कर रहा है तो अगर वो हमारी वो चीज़ देखेगा तो फिर हमें भी मजा आएगा। कोक स्टूडियो तो पाकिस्तान की जान है वैसे भी, तो जो सब कुछ को समेटा हुआ है, और जिस चीज़ के लिए अगर पाकिस्तान का नाम आता है तो कोक स्टूडियो भी उसमें काउंट होता है। तो हाँ, एक सबसे अच्छी बात ये लगी ना कि मुझे शायद मैंने कोक स्टूडियो में पहली बार मंगवा ली।
नाम सुना है मैंने भी है ना, और ये जो था ये भजन था। हाँ, इसको भजन सिंधी भजन था, इसको सिंधी भजन भी कह सकते हो, क्योंकि हमने जो उसके डिस्क्रिप्शन में पढ़ा उसमें भजन भी इसको बोला है और कलाम बोला गया। कलाम एक्चुअली हाँ, मेरे को वैसा कुछ मुझे वैसा कुछ लग रहा है ना, कलाम और भजन का एक रिलेशन है। हाँ, क्योंकि कलाम जो होता है उसको पढ़ते हैं और वो काफ़ी टाइम तक चलता है, और भजन को भी हमारा उसको हमारी लैंग्वेज में भजन कहा जाता है, और भजन को भी काफ़ी देर तक, वो भी सॉन्ग नहीं कह सकते उसको, म्यूजिक नहीं है वो, लेकिन उसको सुनने में बहुत मजा आता है उसमें। हाँ, उसका देखो ना बहुत मीनिंग होता है, वर्थफुल मीनिंग होता है उसका, आप सुनोगे तो बहुत मजा आएगा। तो बस इतना ही, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इसको शेयर करना, और चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, बहुत क्यूट है, मतलब क्यूट बनने की कोशिश कर रही है ताकि इसके चैनल को सब्सक्राइब करें लोग। अब तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि कृष्णा की वजह से क्यूट हो रहा है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे इस तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी गाइस।